कराची से लापता दुआ का 10 रोज बाद लाहौर से सुराग मिल गया। कराची पुलिस को आगाह कर दिया गया। वज़ीर आला की तस्दीक, सूबाई दारुल हुकूमत के रिहायशी जहीर से 17 अप्रैल को शादी। निकाहनामा दुनिया न्यूज पर, लड़की ने ब्याह के वक्त उम्र 18 साल लिखवाई। बेटी अभी नाबालिग, मिलने की तस्दीक नहीं हुई, दुआ से अपील है वो घर वापस आ जाएं। वालिद की गुफ्तगू, लड़की की उम्र 13-14 साल, कानून के मुताबिक निकाह गैर कानूनी है। सूबाई वजीर शहला रजा की गुफ्तगू। कराची सौदाबाद से 14 साल निमरा की गुमशुदगी का मामला भी हल, लड़की ने भी निकाह कर लिया। डेरा गाजी खान में शादी रजिस्टर, तफ्तीशी हुकाम की तस्दीक। सोल्जर बाजार से 15 साल लड़की लापता, अहले खाना की पुलिस को दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, पीटीआई को रिलीफ। फॉरेन फंडिंग केस का 30 रोज में फैसला करने का हुक्म मौतल। चीफ जस्टिस की सरबराही में डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला मौतल किया। इलेक्शन कमीशन और 17 सियासी जमातों को नोटिस जारी, 17 मई तक जवाब तलब। कानून है इलेक्शन कमीशन हर साल सियासी जमातों के अकाउंट्स की स्क्रूटनी करे, चीफ जस्टिस सतर मिनल्ला के रिमार्क्स। मुल्क में तवानाई का बहरान संगीन, बिजली का शॉर्टफॉल 7668 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली घरों को एलएनजी और फर्नेस ऑयल की मतलूबा फराहमी मुमकिन न हो सकी। कई पावर प्लांट्स तकनीकी वजूहात के बाइस बंद, नंदीपुर, मुजफ्फरगढ़ और जामशोर बिजली घर शामिल। बिजली बहरान, बवाले जान, हर कोई परेशान, रोजादारों का कड़ा इम्तिहान। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर और दीगर शहरों में बिजली की आंख मचोली। शहरी इलाकों में 8 और देहात में 12 घंटे तक बत्ती बंद। मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर, लोगों का पारा हाई। नवाज शरीफ की हुकूमत ने 5 साल की बदतरीन लोड शेडिंग का खात्मा किया। पीटीआई हुकूमत ने ना बर वक्त ईंधन खरीदा और ना ही पावर प्लांट की मरम्मत की। नाकारा प्लांट के जरिए महंगी बिजली पैदा करने से आवाम को महाना 100 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्वीट। साबिक हुकूमत की नाहलियों का खुमियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। 11,000 मेगावाट बिजली सिस्टम से बाहर है। रुपए की कदर गिरने से 300 अरब का बोझ शहरियों पर पड़ा, लीगी रहनुमा मुसद्दिक मलिक। पंजाब में डीजल का बहरान, काश्तकार परेशान। किसानों को कपास की काश्त में मुश्किलात का सामना। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने महदूद पैमाने पर दरामद किया। पीएसओ का मौकिफ, कोई शॉर्टेज नहीं हुआ, अफवाहें फैलाई जा रही हैं। पूरे मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत वाफिर मकदार में मौजूद, तर्जुमान ओकरा। IMF ने आपसे वादा किया है कि वो मई के महीने के अंदर जो है वो भेजेंगे अपना डेलीगेशन, और उसके साथ इंशाल्लाह ताला IMF का प्रोग्राम रिवाइव हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम भी रिवाइव हो जाएगा। I have requested the fund and I think this is largely they've agreed to extend this program for another year, but obviously these details will be thrashed out when the mission is in Pakistan. And I've also requested them that they enhance the funding available to Pakistan from 6 billion under this program to perhaps a little bit more. IMF के साथ मुज़ाकरात में पाकिस्तान की अहम कामयाबी, कर्जे की हद 8 अरब डॉलर होने का इम्कान, ऐलान आज मुतवक्के। आलमी इदारे ने जुलाई 2019 में 6 अरब का पैकेज मंजूर किया था, 3 अरब डॉलर जारी किए जा चुके हैं। मिशन मई में पाकिस्तान का दौरा करेगा। रवा माली साल मौशी तरक्की की शरह 4% रहने का इम्कान, महंगाई की शरह 11.2% रहने की तवक्को। जारी खातों का खसारा, रवा माली साल GDP का 5.3% होने का इम्कान, IMF दस्तावेजा। नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब की हल्फ बरदारी तकरीब में ताखीर। हमजा शहबाज की अदालती हुक्म पर अमल दरामद के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी कल मुकदमा सुनेंगे। सदर अदालती हुक्म पर बगैर किसी वजह के ताखीर कर रहे हैं दरख्वास्त में मौकिफ।
पंजाब असेंबली का एक स्टाफ अफसर और दो असिस्टेंट प्रोटोकॉल अफसर मुअत्तल। स्पीकर परवेज इलाही ने एक और सेक्रेटरी पंजाब असेंबली ने दो अफसरों को मुअत्तल कर दिया। शहबाज शरीफ भोंडी हरकतें करना बंद कर दें। पीकेएलआई पर इनका नहीं आवाम का पैसा लगा। लीगी हुकूमत ने अस्पताल में किसी को मेरिट पर भर्ती नहीं किया था। साबिक वजीर सेहत डॉक्टर यासमीन राशिद। ईद मनाने के लिए आबाई इलाकों को जाने वाले परदेसियों के लिए अच्छी खबर। ईद उल फितर के तीन रोज मुसाफिर ट्रेनों के किराए में 30% कमी। रेलवे का 5 ईद स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान। रियायती किरायों का इतलाक स्पेशल ट्रेनों पर नहीं होगा। और भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह भी बाबर आजम के परिस्तार। पाकिस्तानी कप्तान की बैटिंग टेक्निक बेहतरीन, सलाहियतें किसी से कम नहीं। लेजेंडरी ऑफ स्पिनर ने बैटर को मुस्तकबिल का लेजेंड करार दे दिया।